कांग्रेस इतनी इतनी सीटें लड़ती है, तो उनकी मर्जी है, वो 48 सीटें भी लड़ सकती है महाराष्ट्र में। लेकिन मैं कल ही खड़गे जी के साथ बैठा था, उससे पहले उद्धव ठाकरे साहब दिल्ली में थे, आदित्य जी दिल्ली में थे, उद्धव जी, आदित्य जी और मैं खुद इंडिया मीटिंग से पहले राहुल जी से मिले हैं हम। वहाँ सोनिया जी भी थी, मैडम थी, मैडम थी, वहाँ खड़गे साहब थे, वहाँ वेणुगोपाल जी थे। उनके सामने महाराष्ट्र के सीट सेविंग के बारे में हमारी बहुत ही सविस्तर चर्चा हुई और ये तय हुआ है महाराष्ट्र का जो सीट शेयरिंग है तीन पार्टी या कांग्रेस का, वो हम दिल्ली में करेंगे। महाराष्ट्र में कोई एक नेता नहीं है तो निर्णय ले सकते हैं, अगर नेता है तो उनको अधिकार नहीं है निर्णय लेने का, बार बार दिल्ली में पूछना पड़ता है। तो बेहतर है कि हम दिल्ली में आकर बैठे आपके सामने और 1-2 घंटे में हम सीट शेयरिंग पूरा कर देंगे। लगभग सीट शेयरिंग पूरा हो गया है। सर गुजरात में जो विकास कितनी सीटें आप लोग मांग कर रहे हैं, हालांकि आप कह रहे चर्चा भी की, कितनी सीटें आप लोग हम मांग 23 सीटें लड़ेंगे, हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। नाही असं हे राज्यस्तरावरची चर्चा अद्याप आमची सुरू झालेली नाही। ती चर्चा झाल्यानंतर जो ठरेल किंवा ज्यामध्ये चर्चेमध्ये काही जागांच्या संदर्भात कमी जास्तपणा असेल ते सगळं आम्ही हायकमांडला कळवू आणि हायकमांडवर शेवट निर्णय कोण घेत असतं, अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केंद्रीय समितीलाच आहे, हा राज्यस्तराच्या समितीला नाही आहे। त्यामुळे ह्यावर आता मला वाटतं की चर्चेची फेरी सुरू नाही आणि विनाकारांच्या वावड्या ज्या उठवल्या जातात त्यामध्ये तथ्य नाही। एक तर आत्ताचे हे त्रिकुटाचं सरकार हे घाबरलेलं आहे, यांना यांचे सगळे सर्वे यांच्या विरोधात आहेत, त्यामुळे आत्ता त्यांना भीती वाटायला लागल्यामुळे भीती आहे त्यांना आणि त्यामुळं ते आमच्यामध्ये डिस्प्यूट निर्माण होऊन फायदा कसा घेता येईल यामध्ये अशा ते वावड्या उठवत असतात किंवा त्या गैरसमज निर्माण करत असतात। नाही नाही, संजय राऊत काय म्हणाले, संजय राऊत म्हणू द्या, संजय राऊत जर 23 जागा लढतो म्हणाले तर आम्ही कशाला त्यांचा त्या संदर्भातलं खंडन करू। जो निर्णय आहे तो आमचे हायकमांड घेतील, त्यांनी जर ठरवलं आहे हायकमांडनी तर त्याच्यामध्ये आमचा अधिकार नाही, त्यामुळे या संदर्भात अधिक काही आम्हाला भाष्य करायची गरज नाही।